हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं मिडोरा के 5 बेहतरीन रेड लिपस्टिक शेड्स का कंप्लीट रिव्यू। इस वीडियो में इन डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इनके नंबर्स के बारे में, इनके स्वेचेस के बारे में और इनकी प्राइसेस के बारे में। और अगर बात की जाए इन कलर्स के बारे में, तो ये ऐसे रेड लिपस्टिक शेड्स हैं मिडोरा के जो आप लोग ब्राइडल किट में भी ऐड कर सकते हो अगर आपकी शादी होने वाली है। और उसके अलावा बात करें इनके नंबर्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इनके शेयर्स और इनके नंबर्स के बारे में। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं मिडोरा के इन रेड लिपस्टिक शेड्स के नंबर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि यहां पर आप मेरे हैंड के ऊपर देख सकते हैं, मैंने अपने हैंड के ऊपर पार्लर जैसी वाटर प्रूफ पार्टी बेस कैसे आप घर पर बना सकते हैं उसका कंप्लीट मैथड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पार्लर जैसी वाटर प्रूफ पार्टी बेस घर पर बनाने का मैथड शेयर किया। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ फर्स्टली जो शेड के बारे में शेयर करने वाली हूँ ये मिडोरा का शेड है। और अगर बात कीजिए इसके नंबर के बारे में, तो इसका जो नंबर है वो 226 है और ये मिडोरा का डार्क मैरून कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। यहाँ पर मैं अपने हैंड के ऊपर आपको इसका स्वैच लेकर दिखा देती हूँ। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन सांवली है या फिर व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो देन आप इसका ये वाला कलर यूज़ कर सकते हो। ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। और उसके अलावा अगर आपकी फेयर कॉम्प्लेक्शन है देन भी आप इस कलर को यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं इसका नंबर आप लोगों को बता देती हूँ, इसका नंबर था 226। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मिडोरा का सेकंड कलर है, अगर इसकी बात करें तो ये मिडोरा का ट्रू रेड कलर है, इसका नंबर है 283। और यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड के ऊपर इसका स्वैच लेकर भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग कलर है, ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट फेयर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट अगर बात करें शेड के बारे में, तो ये मिडोरा का पिंक ट्राइफल कलर है और इसका जो शेड नंबर है वो 531 है। बहुत ही खूबसूरत कलर है, ये पिंकिश सा कलर है, पिंक टोन में आ जाता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर भी, और उसके अलावा भी आप इसे किसी भी फंक्शन पर भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस मेरे पास मिडोरा का ही शेड है और इसका नंबर है 238 और ये भी मिडोरा का पिंकिश रेड कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, फिर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर मेरे पास मिडोरा का ही कलर है और इसका नंबर है 203 और ये मिडोरा का रियल रेड कलर है, ये भी फेयर कॉम्प्लेक्शन पे और सांवली कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। और ये बहुत ही अमेजिंग कलर है, यहाँ पर आप इसका स्वैच भी मेरे हैंड के ऊपर देख सकते हैं। तो गाइस ये थे मिडोरा के 5 बेस्ट रेड लिपस्टिक शेड्स। आई होप आप लोगों को इनका रिव्यू अच्छा लगा होगा, इनके नंबर्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।